Hi friends, welcome to Rishika's USA Diaries. So today I will show you how to use dishwasher in America. So let's see. So we have hot point dishwasher. तो अमेरिका में तो लोग मोस्टली डिशवॉशर ही यूज़ करते हैं बर्तन के लिए. एंड यहाँ पे अपार्टमेंट में डिशवॉशर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड रहता है. तो हमारे यहाँ पे भी ऑलरेडी हमें यहाँ पे इंस्टॉल करके दिया है. तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. लेट्स ओपन दिस. ये आउटर डोर है. तो यहाँ पे अंदर आपको दो रैक मिलेंगे. दिस इज द अपर रैक एंड देन यू कैन सी हियर दिस इज द लोअर रैक. तो यहाँ पे आपको सारे बर्तन रखने हैं. So let's see how to put the utensils inside. तो अभी मैं यहाँ पे एक बर्तन रख रही हूँ. तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास एक बाउल्स है. तो आप कैसे अरेंज कर सकते हैं इसको. तो अब यहाँ पे ऐसे बाउल्स रख सकते हैं. ये सब ग्लासेस है. तो आप इसको ग्लासेस को ऐसे रख सकते हैं. अगर आपके पास बिग बॉल है तो आप उसको भी ऐसे यहाँ पे रख सकते हैं. अगर कप्स वगैरह है तो उसको ऐसे रख सकते हैं. एंड आपको ये देखना है कि डिश वॉशर सेफ है या नहीं. जैसे यहाँ पे कुछ बर्तन पे वो लोग मेंशन करते हैं डिश वॉशर सेफ है या नहीं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने लिखा है डिश वॉशर सेफ. तो आपको ये चेक करना है बिकॉज कुछ बर्तन यहाँ पे हम वॉश नहीं कर सकते. तो वो देख के आपको यहाँ पे बर्तन रखना है. तो आप ऐसे सेट कर सकते हैं एंड देन दिस गोज इनसाइड. तो अब मैं लोअर रैक पे यहाँ पे प्लेट्स अरेंज कर रही हूँ. तो आपको ऐसे अरेंज करना है प्रॉपरली. सो लाइक दिस हाउ टू पुट ऑल द प्लेट्स लाइक दिस. देन यू कैन पुट दिस आल्सो. तो अभी मैंने सारे बर्तन यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं. तो आपको प्लेट्स मोस्टली तो आपको लोअर रैक में ही रखना है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके पास कुछ स्पून वगैरह है तो दिस सेक्शन फॉर दैट स्पून एंड ऑल यू कैन पुट हियर. ओके सो नाउ लेट्स गो इनसाइड. तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डिश वॉशर के लिए हम लिक्विड नहीं यूज़ कर सकते. तो हमें डिश वॉशर ट्यूब्स यूज़ करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे हमें क्यूब्स डालना पड़ेगा. तो मेरे पास अभी ये क्यूब्स है डिश वॉशर. तो यहाँ पे आपको इसको इंसर्ट करना पड़ेगा. तो ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा डिश वॉशर क्यूब्स. तो आपको यहाँ पे ये डालना है. देन यू हैव टू क्लोज दिस like this. So now this is done and all set. यहाँ पे हमारे बर्तन भी अरेंज हो गए एंड हमने डिशवॉशर क्यूब भी डाला है. देन नेक्स्ट यू हैव टू क्लोज दिस डोर. सो आफ्टर क्लोजिंग डोर यहाँ पे आपको एक हैंडल दिखेगा. ये हैंडल. तो आपको ये हैंडल को आपकी तरफ खींच के इसको ऐसे बंद करना है. तो ये डोर लॉक हो जाएगा. तो अभी ये डोर लॉक हो गया. ओके सो नाउ हियर यू कैन सी हियर इज़ वन नॉब एंड इट्स हैविंग लॉट्स ऑफ ऑप्शंस. सो विल सी व्हाट इज इट. सो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं हेवी वॉश. अगर आपके बर्तन बहुत ज़्यादा है तो यू हैव टू यूज़ दैट ऑप्शन.
एंड हियर नॉर्मल वॉश. अभी मेरे बर्तन इतने ज़्यादा नहीं हैं तो आई एम यूजिंग दिस नॉर्मल वॉश. एंड हियर यू कैन सी वन मोर बटन दैट इज हीटेड ड्राई. अगर ये आप ऑन करते हो तो आपके जो प्लेट्स हैं वो ड्राई होके आ जाएंगे. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेट वार्मर, तो ये ऑप्शन चालू हो जाएगा जब आप हीटेड ड्राई ऑन करते हो. ओके, तो यहाँ पे आपके आपके प्लेट सबको वार्म होके मिल जाएंगे. तो दिस इज़ द ऑप्शन. सो आई एम गोइंग विद दिस नॉर्मल वॉश बिकॉज आई हैव लेस यूटेंसिल्स. तो अभी मुझे मेरे बर्तन वार्म भी चाहिए, इसीलिए मैं ये ऑन कर रही हूँ. तो अभी मुझे बर्तन ज़्यादा नहीं है तो जस्ट आई एम डूइंग नॉर्मल वॉश. आई एम जस्ट नॉर्मल वॉश. सो अभी ये स्टार्ट हो गया एंड वॉश के साथ साथ ये मेरे बर्तन वार्म भी करेगा. तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं बर्तन वॉश करके हो गए हैं. यहाँ पे नॉब ऑफ पे है तो बोथ वॉश एंड वार्म दोनों प्रोसेस को ऑलमोस्ट 1 आवर लगा. तो हम अभी ओपन करके देखते हैं. तो हमें पहले हैंडल से यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा. देन जस्ट टेक दिस डाउन एंड विल चेक फर्स्ट वन रैक. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बर्तन एकदम क्लीन हो गए हैं. एंड मैंने वॉर्म पे भी रखा था तो इस पे अभी कोई वाटर भी नहीं है. अब ये वाला भी देख सकते हैं, ग्लासेस भी क्लीन हो गए हैं एंड इट्स सो वॉर्म. सब देख सकते हैं बड़े बोल्स भी आराम से क्लीन हो गए हैं. लेट्स चेक दिस वन. सो दिस प्लेट्स आर सो क्लीन एंड no water. So all the things are clean now. So hope you all got how to use the dishwasher and thanks for watching my video. Please do subscribe, like, share my channel and hit the bell icon to watch more new videos.